जिनको बस गर्दान बांध गया। फरमाया मेरा सलाम हो उन खुश्क होठों पे जिन पे जालिम छड़ी सकीना के रुखसारों का रंग काला था। किसी ने चौथे इमाम से गम बोला, क्या शिमर की अपनी बच्ची नहीं थी? भला सकीना से ऐसी दुश्मनी, भला कोई बच्चों से भी दुश्मनी करता है? इमाम ने फरमाया, दुश्मनी सकीना से नहीं थी, दुश्मनी ज़ैनब से थी। जब भी ज़ैनब का दिल दुखाना था, ये सकीना को दमाच मारता था। जब भी मुझे तकलीफ देने थी, ये सकीना को दादिया ने मार दिया। इमाम ज़माना फरमाते हैं, जिस मजलिस में दो बीबियों के मसाइबों में वहां जरूर आता हूं। इमाम ज़माना को अपनी मजलिस में दावत दे, फरमाया जिस मजलिस में मेरी पुफी ज़ैनब के मसाइबों, दूसरा जिस मजलिस में मेरी सकीना के मसाइब। रिवायत बड़ी सख्त, लेकिन मेरे चौथे इमाम फरमाते जाकिर पढ़ो, ताकि हमारे शियों को पता तो चले कैसी कैसी मुसीबत। फरमाया 11 मुहर्रम का दिन था, शिमर लाई ने कहा सब बीबियां दो दो हो के तीन तीन हो के ऊंटों पे सवार, लेकिन मलू की निगाह जैसे सकीना पे पड़ गई। इसने कहा बच्ची को अकेला ऊंट पे बिठाया, जैसे सकीना को बिठाया गया, बच्ची सजाद भैया के रोने लगे। सजाद मुझे उतारो, मुझे डर लग रहा है। अब रिवायत के जुमले बड़े सख्त है, फरमाया जैसे बच्ची ने रोना शुरू किया, मलऊन ने हुक्म दिया
काया ऊंट चलता था, बच्ची की फरियाद बुलंद होती थी। जब ऊंट को रोका गया, सकीना को उतारा गया, बीबी ज़ैनब फरमाती है बच्ची का कुर्ता खून में रंगी था। ज़ैनब ने कहा आजा हुसैन की अमानत, आजा मेरे सीने से लग जा। कसजा तब सकीना को अपनी गोद में बिठाऊंगी, मैं सकीना को अकेला नहीं बिठाऊंगी। ये काफिला जब बाजार में पहुंचा, इमाम हुसैन के जुमले, ऐशियो जब भी ठंडा पानी पियो, मेरी सकीना को याद किया करो, सिर्फ मजलिस में नहीं घर में भी जब जब ठंडा पानी पियो। इतना सफर जख्मी बच्ची आहिस्ता से कहा पुफी अम्मा मुझे प्यास लगी। ज़ैनब ने कहा सकीना चुप हो जा, यहाँ पानी देने वाला कोई नहीं, पत्थर मारने वाले बहुत। छत पे एक मोमिना थी, सुन लिया, दौड़ती हुई गई, गिलास में पानी भरा, बीबी ज़ैनब को दिया। कहती है कैदी बीबी मैं तेरी बच्ची को पानी पिलाऊं, लेकिन कैदी बीबी मेरे मौला का फरमान अल्लाह कभी कैदियों की दुआ रद्द नहीं करता। अभी सकीना पानी पीना ही चाहती थी, ज़ैनब ने कहा सकीना पानी बाद में पीना, पहले इसके लिए दुआ करो। हम सैयद किसी का एहसान नहीं उठाते। रावी कहता अभी तक बच्ची का सर नीचे था, जैसे सकीना ने दुआ के लिए हाथों को उठाया, अपना चेहरा बुलंद किया, इसकी निगाह जख्मी कानों पे पड़ गए, जख्मी रुखसारों पे पड़ गए, ये अपनी सारी दुआएं भूल गए। कहती है कैदी बीबी दुआ करो, अल्लाह मेरी बच्ची को कभी तेरी तरह यतीम न बनाए। अल्लाह मेरे बच्चों को तेरी तरह कैदी न बनाए। सकीना ने दुआ के लिए हाथों को बुलंद किया, कब मेरे अल्लाह तुझे मेरी यतीमी की कसम, ओ किसी बच्ची को मेरी तरह यतीम न बनाना। कहां मोमिना बता तेरी दूसरी दुआ कौन सी। इस दूसरी दुआ ने पूरे काफिले को रुला दिया। कहा कैदी बीबी दुआ करो, अल्लाह मदीना भेज। गुर्बत में ज़ैनब ने वतन का नाम सुना। कम मोमिना मदीने जाकर क्या करोगे। कहती है कैदी बीबी मैं 3 साल मदीने में रही हूं। किसके पास रही हो कैदी बीबी मदीने में मेरा हुसैन, मदीने में मेरा अब्बास। मैं 3 साल मदीने में अपनी आका दादी की कनीज रही हूं। बीबी ज़ैनब ने कहा ऐ मोमिना तूने हुसैन का नाम लिया, तूने अब्बास का नाम लिया, लेकिन तूने नहीं बताया तेरी आका दादी का नाम क्या है। क्या मदीने वाली बीबी से नाराज हो। इतना सुनना था, कहती है कैदी बीबी मेरी मजाल, मैं अपनी बीबी से नाराज हो जाऊं। आए कैदी बीबी मेरी मजबूरी समझो, ओ ये बाजार का माहौल है, नामहरम का मजमा है, मेरी बीबी नाम है अली की बेटी का। बीबी ज़ैनब ने कहा अगर मदीने वाले बाजार में
میں نظر آئے پھر کیا کہو گی؟ کہتی ہے قیدی بی بی زبان سنبھال کے بات کر، میری بی بی تجھ جیسی قید نہیں کہ بازاروں میں آئے۔ او میری بی بی نام ہے عباس کی بہن کا، اتنا سننا تھا زینب نے بالوں کو ہٹایا کہ ام حبیبہ نہیں پہچانا، انا زینب بنت علی۔ یہ منظر دیکھنا تھا، ام حبیبہ بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئے کہ بی بی عباس کہاں ہے؟ بی بی نے کہا یہ میرے حسین کا سر ہے، یہ علی اکبر کا سر ہے۔ کہا بی بی عباس کہاں ہے؟ ایک گھوڑے کی طرف اشارہ کیا جس کی گردن میں کٹی ہوئی گردن تھی۔ بی بی یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ میرے عباس کا سر ہے۔ بی بی سب سر نوک پہ ہے، عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ کہاں نوک پہ جاتا ہے، لیکن جب نگاہ میرے کھلے سر پہ پڑتی ہے عباد کا سر زمین پہ گر جاتا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔